collector 2 base bias common emitter circuit in collector 2 base bias common emitter circuit components used are RS equal to components used are RS equal to 10 kilo ohm RS equal to 10 kilo ohm RF equal to RF equal to 200 kilo ohm RF equal to 200 kilo ohm RC equal to 10 kilo ohm RC equal to 10 kilo ohm if the transistor parameters are HIE equal to 1.1 kilo ohm HIE equal to 1.1 kilo ohm HRE equal to 2.5 into 10 to the power minus 4 HRE equal to 2.5 into 10 to the power minus 4 HFE equal to 50 HFE equal to 50 and HOE equal to 25 microampere per volt HOE equal to 25 microampere per volt calculate AV comma ABS comma ABS comma RI comma RI and AI use Miller theorem for analysis यहाँ पे हम लोग गिवन क्या क्या हुआ है ठीक है गिवन क्या क्या है हम लोग को एक तो हम लोग को यहाँ पे RS की वैल्यू गिवन है RS की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 किलो एक हम लोग को यहाँ पे RC की वैल्यू गिवन है ये कितनी है आपके लिए 10 किलो ठीक दूसरा हम लोग को यहाँ पे RF की वैल्यू गिवन है RF की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 200 किलो ठीक HIE की वैल्यू गिवन है हम लोग को HIE की वैल्यू कितना बोल रहे हैं 1.1 किलो HFE गिवन है आपको HFE कितना है 50 ठीक HRE गिवन है आपको HRE कितना है 2.5 into 10 to the power minus 4 और आपको HOE की वैल्यू गिवन है कितना है आपके लिए 25 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट ठीक है तो जो हम लोग गिवन है इससे हमको ये समझ में आता है कि हमको चारों के चारों हाइब्रिड पैरामीटर्स दिए हुए हैं चारों के चारों हाइब्रिड पैरामीटर्स दिए हुए हैं मतलब क्या हम लोग को यहाँ पे एग्जैक्ट एनालिसिस का यूज करना है ठीक है हम लोग को यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट एनालिसिस ही करना है हमारे ट्रांजिस्टर का ठीक है साथ में वो क्वेश्चन में खुद ही मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे हमको मिलर थ्योरम का भी यूज करना है एनालिसिस के लिए क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है कि आपको यहाँ पे क्या मिलर थ्योरम का यूज करना है ठीक है मिलर थ्योरम का यूज करना है मतलब आपके माइंड में पहले से आनी चाहिए कि यहाँ पे एक फीडबैक एलिमेंट कनेक्टेड होगा ठीक है तो फीडबैक एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग तो इस ट्रांजिस्टर को देखते हैं ट्रांजिस्टर क्या है आपके लिए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है ट्रांजिस्टर आपके लिए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है तो हम लोग यहाँ पे बेस से इनपुट दे रहे हैं कलेक्टर से आउटपुट ले रहे हैं अगर बेस से इनपुट दे रहे हैं कलेक्टर से आउटपुट ले रहे हैं मतलब कलेक्टर हमारा आउटपुट टर्मिनल है बेस हमारा इनपुट टर्मिनल है अगर बेस और कलेक्टर मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में एक एलिमेंट कनेक्टेड है तो उसी एलिमेंट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं अपने लिए फीडबैक एलिमेंट बोलने वाले साथ में यहाँ पे नाम भी मेंशन है बहुत आसानी से आपको RF दिया हुआ है RF का मतलब क्या होता है आपके लिए फीडबैक रजिस्टर होता है ठीक है तो आपको यहाँ पे RF भी गिवन है मतलब कंफर्म जो यहाँ पे RF बना हुआ है फिगर में मेरे लिए ये RF यही मेरे लिए क्या है फीडबैक एलिमेंट है यही मेरे लिए फीडबैक एलिमेंट है ठीक अगर ये मेरा फीडबैक एलिमेंट है तो इसी फीडबैक एलिमेंट के ऊपर मेरा मिलर थ्योरम अप्लाई होने वाला है मिलर थ्योरम तो मेरा फीडबैक एलिमेंट के ऊपर ही अप्लाई होता है ठीक है तो यहाँ पे फीडबैक एलिमेंट कौन सा है हम पता कर डाले 200 किलो ओम जो यहाँ पे गिवन है ये क्या है हम लोग के लिए फीडबैक एलिमेंट है साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है हम लोग के लिए कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ठीक है अगर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपका वोल्टेज गेन भी हाई होता है मतलब मीडियम होता है और आपका करेंट गेन भी मीडियम होता है ठीक है अगर कॉमन बेस की बात करता तो फिर वहां पे क्या होता करंट गेन आपका यूनिटी होता ठीक है अगर करंट गेन यूनिटी हो जाता है इफ किसी केस में करंट गेन यूनिटी हो जाता है तो वहां पे मैं मिलर थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप को क्या आता है आपका एक एलिमेंट आता है 1 AI into RE तो 1 - 1 0 हो जाता है ठीक है सिमिलरली अगर मैं आपके लिए एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की बात करता हूं तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में क्या होता है आपके लिए अगेन 1/(1 - AV) तो वहां पे AV 1 हो जाएगा तो अगेन आपके लिए वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी लेकिन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हो
क्योंकि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर आपका वोल्टेज को भी एम्पलीफाई करता है, करंट को भी एम्पलीफाई करता है। तो हम क्या डिसाइड किया सबसे पहली चीज कि जो आपके लिए आरएफ है ये आपके लिए फीडबैक एलिमेंट है। फिर मैं देखा आरएफ का कनेक्शन, आरएफ का कनेक्शन कैसा है, बेस और कलेक्टर के बीच में और कोई तीसरा टर्मिनल या तीसरा पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अगर बेस और कलेक्टर के बीच में एलिमेंट कनेक्ट कर दिया आरएफ तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए फीडबैक एलिमेंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां से इसका मॉडल ड्रॉ करता हूं। किसका मॉडल ड्रॉ करता हूं, मुझको ट्रांजिस्टर का मॉडल ड्रॉ करना आता है, मुझको ट्रांजिस्टर का मॉडल ड्रा करना आता है, ना कि मुझको फीडबैक एलिमेंट को इंक्लूड एक्सक्लूड करना आता है। मुझको तो नॉर्मल ट्रांजिस्टर का मॉडल पता है कि हाँ भाई ट्रांजिस्टर का मॉडल ऐसा बनता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ट्रांजिस्टर का मॉडल ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का एक बेसिक मॉडल ड्रॉ करता हूँ मैं आपके लिए। एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, मतलब क्या बेस से इनपुट दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेस से इनपुट दिया, बेस के साथ आपका एच आई कनेक्टेड होगा और उसके साथ आपका वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी कनेक्टेड होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ये हो गया आपका करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स और ये हो गया मेरा एच ओई, ठीक। ये हो गया मेरे लिए क्या एच ओई। इससे पहले हम लोग एक बार पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर चुके हैं ना, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता था आपका, हमेशा सारे करंट के डायरेक्शन रिवर्स हो जाते थे और आपका करंट कंट्रोल करंट सोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर ये हमको क्लियरली दिखना चाहिए, हम जितना पढ़े सब कुछ हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए ही पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी डायरेक्शन वगैरह अपोजिट नहीं होने वाला है। तो ये हो जाएगा मेरे लिए प्लस माइनस और ये हो जाएगा मेरे लिए एचएफई, ठीक है। तो ये हो गया मेरे लिए बेस टर्मिनल, ये हुआ मेरा बेस टर्मिनल, ये हुआ मेरा कलेक्टर टर्मिनल, ये मेरा कॉमन वाला एमिटर टर्मिनल, ये भी मेरा कॉमन वाला एमिटर टर्मिनल, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा मेरे लिए एच आई ई, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे लिए एच आर ई वी टू, ठीक। ये हो जाएगा मेरे लिए एच एफ ई आई बी, एक्चुअली ये वाला करंट आपके लिए क्या होगा आई बी के बराबर होगा। तो ये हो गया आपके लिए आई बी, यहाँ से जो करंट आएगा ये आपके लिए आई सी के बराबर होगा, ठीक। ये हो जाएगा आपके लिए एच ओ ई, ठीक। अब इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए सोर्स और लोड नेटवर्क भी कनेक्टेड है। मुझे बताओ यहाँ पे लोड नेटवर्क कौन सा होने वाला है, लोड क्या होने वाला है यहाँ पे। आरसी यहाँ पे लोड की तरह बिहेव करेगा, एक कॉमन एमिटर कंफिगरेशन में हमेशा आपके लिए आरसी क्या करता है, लोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपके लिए आरसी कनेक्ट करता हूँ, ये मैं आपके लिए यहाँ पे आरसी कनेक्ट किया, ये कनेक्ट हो गया मेरे लिए क्या आरसी, ये कनेक्ट हो गया मेरे लिए आरसी। इसकी वैल्यू कितनी है 10 किलो, ठीक। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है ये वोल्टेज को मैं मान लेता हूँ वी नॉट, मेरा आउटपुट वोल्टेज इसको मैं मान लेता हूँ वी नॉट, ठीक है। तो अगर उसको मैं आउटपुट वोल्टेज को वी नॉट मान लिया तो एक्चुअली इसको मैं वी नॉट लिख सकता हूँ क्योंकि वी टू टू पोर्ट वोल्टेज होता है और टू पोर्ट वोल्टेज और वी नॉट आपके लिए पैरेलल में लिख रहा है, ठीक है। इस कारण मैं क्या कर सकता हूँ इसको आपके लिए डायरेक्टली मैं वी नॉट लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दिया आपके लिए वी नॉट। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए सोर्स नेटवर्क भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं इनपुट में क्या करता हूँ सोर्स नेटवर्क को भी ड्रॉ कर देता हूँ, तो इनपुट में मैं आपके लिए सोर्स नेटवर्क भी ड्रॉ किया, ये हो गया मेरे लिए आरएस। इसकी वैल्यू भी पता है हमको, ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमको पता है। तो ये हो गया इसका वैल्यू, ये हो गया मेरे लिए आरएस, ठीक। ये हो गया मेरे लिए वीएस और यहाँ पे ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो, ये हो गया मेरे लिए आरएस। लगभग इसकी वैल्यू 10 किलो ओम के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैं आपके लिए सोर्स नेटवर्क भी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपके लिए सोर्स नेटवर्क भी आपके लिए कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमको बात करनी है आरएफ की, हम लोग को बात करनी है किसकी आरएफ की। अगर मैं आरएफ की बात करूं तो आरएफ मेरे लिए कहां पे कनेक्टेड है, आरएफ मेरे लिए कहां पे कनेक्टेड है बेस और कलेक्टर के बीच में। अगर इसको मैं कलेक्टर टर्मिनल माना हूं, ठीक है, इसको अगर मैं कलेक्टर टर्मिनल माना हूं तो क्या हो जाएगा, ये कलेक्टर है, ये भी कलेक्टर है, ये भी कलेक्टर है, सब कुछ मेरे लिए क्या है कलेक्टर है। अगर मैं बेस की बात करूं, ठीक है, तो बेस मेरे लिए ये पॉइंट मेरे लिए बेस है, इस पॉइंट को मैं बेस नहीं बोल सकता, इस पॉइंट को मैं बेस बोलूंगा क्योंकि यहां पे बीच में एच आई आ गया है ना। तो एच आई तो बेस से स्टार्ट होता है, एच आई कहां से स्टार्ट होता है बेस से स्टार्ट होता है। तो मैं क्या बोला इसको, ये वाला मेरा बेस वाला पॉइंट है। एक्चुअली इस फिगर में सिर्फ ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व है, इस फिगर में सिर्फ मेरा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में जो सोर्स था वो सोर्स है, ट्रांजिस्टर में जो लोड था वो लोड है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी फीडबैक रजिस्टर इन्वॉल्व नहीं है। जो आरएफ मैं यहाँ पे लिखा हूं, जिस आरएफ को मैं फीडबैक एलिमेंट माना हूं, ये इस फिगर में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इस फिगर में केवल मेरा ट्रांजिस्टर का मॉडलिंग, मतलब जो भी हम लोग पढ़े हैं वो सिर्फ ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग पढ़े हैं। अगर कोई एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्टेड है, ट्रांजिस्टर इज अ टू पोर्ट नेटवर्क, उसके अलावा जो भी एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्टेड है, मतलब अगर मैं सोर्स नेटवर्क की बात करूं या फिर मैं आपके लिए लोड नेटवर्क की बात करूं, तो वो तो एक्सटर्नल कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके लिए आरएफ कनेक्टेड है ये आपका पार्ट नहीं है इस मॉडलिंग का, आरएफ को मुझको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। और आरएफ कहाँ पे कनेक्टेड रहने वाला है, बेस और कलेक्टर के
बीच में, ठीक है। तो आपको क्लियर रहे कि ये पूरा टर्मिनल आपके लिए कलेक्टर है, यहां से लेके यहां तक सब कुछ आपके लिए कलेक्टर है, और यहां पे आपके लिए क्या है, बेस है। तो इन दोनों के बीच में मैं क्या करता हूं, 200 किलो ओम को कनेक्ट करता हूं, जो मेरा आरएफ है, क्योंकि मेरा आरएफ बेस और कलेक्टर के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं यहां पे बेस से एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ड्रॉ करता हूं, ये बेस था मेरा, इससे मैं एक करंट की वैल्यू को ड्रॉ करता हूं, तो ये हुआ मेरा बेस, यहां से मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है। कहां कनेक्ट करूंगा इसको, मैं कलेक्टर में कहीं पर भी कनेक्ट कर सकता हूं, है ना, सब कलेक्टर है यहां पे, तो कलेक्टर में कहीं से भी कनेक्ट कर सकता हूं मैं। तो इसकी वैल्यू हो गई मेरे लिए 200 किलो, यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है इसको मैं बोलूंगा फीडबैक करंट। मतलब देखो, आउटपुट और इनपुट को एक एलिमेंट कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं आपके लिए, फीडबैक एलिमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बनेगा हम लोग के लिए प्रॉपर मॉडलिंग, है ना। अभी इसको ड्रॉ मत करना। अब ये एम्पलीफायर कौन सा है मेरे लिए, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ठीक है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर मतलब क्या, आपके लिए वोल्टेज को भी एम्पलीफाई करता है, आपके लिए करंट को भी एम्पलीफाई करता है। मतलब वोल्टेज गेन की वैल्यू भी मॉडरेट होती है, मतलब ऑफकोर्स 10-20 से बड़ी होगी, करंट गेन की वैल्यू भी यहां पे मॉडरेट होगी। अगर मैं मिलर थ्योरम अप्लाई करने की बात कर रहा हूं, मतलब ये तो मेरे लिए फीडबैक एलिमेंट है ना, कॉमन एलिमेंट थोड़ी। अगर कॉमन एलिमेंट होता इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो फिर मैं क्या करता यहां पे, ड्यूअल ऑफ मिलर थ्योरम को अप्लाई करता। लेकिन ये क्या है, मेरे लिए फीडबैक एलिमेंट है। फीडबैक एलिमेंट में हमेशा मैं क्या करता हूं आपके लिए, मिलर थ्योरम को अप्लाई करता हूं। तो 200 किलो ओम में हमको ये भी कंफर्म रहे कि यहां पे मिलर थ्योरम अप्लाई होने वाला है, ना कि आपके लिए ड्यूअल ऑफ मिलर थ्योरम अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो 200 किलो ओम में क्या होने वाला है, यहां पे मिलर थ्योरम अप्लाई होने वाला है। अगर मैं मिलर थ्योरम अप्लाई करने की बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए कंसर्न क्वांटिटी वोल्टेज गेन होने वाली है, वोल्टेज गेन मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा यहां पे मिलर थ्योरम में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरा 200 किलो ओम वाला पार्ट है, ये आउटपुट सर्किट को भी अफेक्ट कर रहा है, ये इनपुट सर्किट को भी अफेक्ट कर रहा है। तो मैं इसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक पार्ट जाएगा इनपुट में, एक पार्ट जाएगा आउटपुट में। जो इनपुट में जाएगा वो इनपुट सर्किट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो आउटपुट में जाएगा वो आउटपुट नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां पे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, ठीक। तो एक नया मॉडल ड्रॉ करता हूं, जहां पे ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा मेरे लिए। ये मेरे ट्रांसफर का नेटवर्क था, अब ये 200 किलो ओम को मुझको ब्रेक करना है। तो ये 200 किलो ओम कहां से कहां ब्रेक होगा, एक तो इनपुट में जिस नोड पे कनेक्टेड था उससे ग्राउंड की तरफ, इनपुट में जिस नोड पे कनेक्टेड था उसका एक एलिमेंट वहीं पे रहेगा, दूसरा एलिमेंट उसका जाएगा कहां पे, ग्राउंड में, ठीक है। तो यहां पे 200 किलो ओम कनेक्टेड था आपके लिए। तो अगर मैं 200 किलो ओम को ब्रेक करूं इनपुट वाले में, तो इनपुट में कनेक्टेड है ये बेस से, तो एक टर्मिनल इसका बेस पे कनेक्टेड रहेगा, दूसरा टर्मिनल कहां जाएगा इसका, ग्राउंड पे जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जो यहां पे बेस ड्रॉ किया था, जो यहां पे मेरा बेस था, ठीक है, तो बेस से मैं क्या करता हूं, इसको ब्रेक करता हूं, ठीक है। बेस से मैं यहां पे आपके लिए दो एलिमेंट बनाता हूं मिलर्स थ्योरम के। तो बेस से लेके ग्राउंड तक के मेरा एक एलिमेंट बना, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, 200 किलो ओम अपॉन 1 माइनस एवी, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे लिए, 200 अपॉन 1 माइनस एवी। ये हुआ मेरा पहला एलिमेंट, ये हुआ मेरा पहला एलिमेंट, ठीक है। अब मैं दूसरे एलिमेंट की बात करता हूं, मेरा दूसरा एलिमेंट कहां पे कनेक्टेड है, मेरा दूसरा एलिमेंट कनेक्टेड है कलेक्टर पे, ठीक है। तो कलेक्टर से ग्राउंड पे मेरा आउटपुट वाला एलिमेंट बनने वाला है, तो कलेक्टर से ग्राउंड पे जो मेरा एलिमेंट बनेगा, तो एक एलिमेंट बनाता हूं मैं यहां पे कलेक्टर से लेके ग्राउंड तक के, ठीक। तो ये बनाया मैं आपसे कलेक्टर के लेके ग्राउंड तक के, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली इसका वैल्यू होना चाहिए एक्चुअली 200 किलो अपॉन 1 माइनस 1 बाय एवी, ठीक। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं उसको मैं, तो ये हो जाएगा मेरे लिए 200 किलो अपॉन एवी माइनस 1 इंटू एवी, ठीक। सिर्फ अगर मैं इतने वैल्यू की बात करूं, तो मैं बात कर रहा हूं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की, अगर मैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं, तो एवी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होने वाली है 1 से, तो एवी माइनस 1 को मैं अप्रोक्सीमेटली एवी लिख सकता हूं, मतलब मैं अपने एवी अपॉन एवी माइनस 1 को भी अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकता हूं। तो ये एलिमेंट मेरे लिए लगभग 200 किलो ओम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझको आउटपुट वाले एलिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, मैं क्या किया, मैं यहां पे एक अजम्पशन लिया, अजम्पशन क्या था मेरा, मेरा अजम्पशन ये था कि एवी की वैल्यू हाई है, एवी की वैल्यू हाई है, ये मेरा अजम्पशन था। अगर एवी की वैल्यू हाई है, तो एवी अपॉन एवी माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरे लिए, लगभग 200 किलो ओम के बराबर हो जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली मैं आपके लिए 200 किलो ओम लिख सकता हूं, और जो मैं यहां पे आरएल लिखा हूं, इस आरएल की वैल्यू होगी आरसी के बराबर, जो कि क्या है, 10 किलो ओम। तो
तो ये बना आपका एग्जैक्ट मॉडल मिलर थ्योरम को ब्रेक करने के बाद, ठीक है। इस मॉडल में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ऐसा तो हम लोग बहुत बनाया ऐसे आपके लिए करके रख चुके हैं, ठीक है। तो फिगर ड्रॉ करो सारे ये वाले, IF वो आपके लिए फीडबैक करंट होगा, उसके बाद वहां पे सीरीज मिक्सिंग हो रही है कि सैम्पलिंग कैसा हो रहा है आपका, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा वहां पे, है ना। तो ये फीडबैक एलिमेंट आपका एक्चुअली बेसिक्स बनेगा आपका फीडबैक एम्पलीफायर वाले चैप्टर का, ठीक है। तो ये फीडबैक एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, वो अलग बात है, यहाँ पे हम लोग उसको फीडबैक बचा ही नहीं रहे, हम लोग यहाँ पे ब्रेक कर दे रहे हैं उसको दो पार्ट में, वो अलग बात है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाद में जब आप फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ोगे तो ये 200 किलो वहाँ रेशर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक। तो अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट वाला फिगर कौन सा है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट फिगर ये वाला है, ये वाला फिगर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फिगर के हेल्प से मैं अपनी सारी एनालिसिस करने वाला हूँ, उसको कैलकुलेट करने क्या क्या होगा, तो मुझे चारों पैरामीटर कैलकुलेट करने, चारों पैरामीटर कैलकुलेट करने, उसके बाद मुझको इंटरनल वोल्टेज गेन भी कैलकुलेट करना है, एक्सटर्नल वोल्टेज गेन भी कैलकुलेट करना है, इंटरनल करंट गेन भी कैलकुलेट करना है, एक्सटर्नल करंट गेन भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सेकंड वाला फिगर अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जहां पे मैं मिलर थ्योरम की हेल्प से ब्रेक कर दिया, ठीक है। अगर किसी को एग्जाम में क्लिक ना करे कि मिलर थ्योरम इस एलिमेंट में मिलर थ्योरम अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना मिलर थ्योरम के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिना मिलर थ्योरम के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोग के लिए वहां पे नेटवर्क रहेगा, इस नेटवर्क की हेल्प से हमको बस VS और V0 का रेशो निकालना है। तो आप लोग कहीं पे भी KCL KVL अप्लाई करके आपका टारगेट होना चाहिए कि बस आप V0 और VS का रेशो निकाल डालो, जरूरी नहीं है कि मिलर थ्योरम से ही सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है कि ये नेटवर्क को बिना मिलर थ्योरम के सॉल्व नहीं किया जाता, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे भी, ठीक है, बिना मिलर थ्योरम के भी सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब इस नेटवर्क को मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक। एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन लिया गया है, वो अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं AV को जो हाई मानूं, AV को मैं हाई मानूं, वो अजम्पशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं वहां पे उस रेजिस्टेंस को 200 किलो ओम के आसपास लिख रहा हूं, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरा वो अजम्पशन करेक्ट भी प्रूफ होना चाहिए, जब मेरा अजम्पशन वो करेक्ट प्रूफ होगा तभी मैं बोलूंगा कि हाँ मैं सही अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, ठीक। अब एक्चुअली आपके क्वेश्चन में चार हाइब्रिड पैरामीटर्स गिवन है, आपके क्वेश्चन में आपको चार हाइब्रिड पैरामीटर्स गिवन है, जब भी ऐसा गिवन हो तो मैक्सिमम चांस होता है कि आपके लिए एग्जैक्ट एनालिसिस ही आपको करना है, अगर चारों पैरामीटर का वैल्यू गिवन है आपको, उसका मतलब कंफर्म है कि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट एनालिसिस ही करना है। लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या हमको यहाँ पे एग्जैक्ट एनालिसिस करना है या अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करना है, ठीक है। तो आप उस फिगर को देखो और बताओ मुझको लोड की वैल्यू कितनी है, उस फिगर को देख के मुझको आपको लोड की वैल्यू बतानी है, ठीक है, RL डैश की। आपको यह ध्यान रहे कि हम लोग लोड को और आउटपुट इंपीडेंस को अपोजिट डायरेक्शन से देखते हैं, अगर मुझको लोड देखना है तो मैं यहां से लोड देखूंगा, इस पॉइंट से देखूंगा मैं आपके लिए RL डैश, ठीक है। अगर मुझको आउटपुट इंपीडेंस देखना होता तो मैं इसी पॉइंट से देखता इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस, लेकिन मेरे लिए एरो इस डायरेक्शन में लगता, अपोजिट होता, ठीक है। तो यहां से आपको लोड कितना दिख रहा है, 200 किलो पैरेलल विद 10 किलो। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैं अज्यूम किया हूं कि AV की वैल्यू हाई है, अगर मैं AV की वैल्यू को हाई अज्यूम किया हूं तभी मैं इस वैल्यू को 200 किलो ओम अपॉन AV माइनस 1 को 200 किलो ओम लिख पा रहा हूं, ठीक है। तो मैं अजम्पशन लेके इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखा हूं, ठीक। तो अगर मैं बात करूं यहां पे एनालिसिस की, ठीक, तो मेरे लिए HOE इंटू RL डैश ये मेरे लिए 0.1 से कम होना चाहिए, ये मेरे लिए 0.1 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो HOE की वैल्यू गिवन है मुझको क्वेश्चन में, कितना है ये, 25 × 10⁻⁶ × 200 किलो पैरेलल विथ 10 किलो, ठीक, ये वैल्यू आनी चाहिए लेस देन 0.1, तभी मैं अपना अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कैरी कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो आप, ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁶ × 200 किलो × 10 किलो अपॉन 210 किलो, है ना, अपॉन 210 किलो। कैलकुलेटर में डाल के देखो ये 0.1 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ से आपका किलो ओम कैंसिल, यहाँ से आपका किलो ओम कैंसिल, कितना हो जाएगा ये 2000/210 × 25 × 10⁻⁶, 0.2 के आसपास आ रहा है क्या, 0.238, ठीक, ये वैल्यू आ रही है आपके लिए 0.238। एक्चुअली ये वैल्यू आपके लिए 0.1 से कम आनी चाहिए थी, तब मैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर पाता, लेकिन ये वैल्यू आपके लिए ज्यादा आ रही है 0.1 से। इसका मतलब क्या है कि मैं यहां से इसका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस नहीं कर सकता। वैसे भी अगर क्वेश्चन में चार आपको वेरिएबल्स गिवन है, हाइब्रिड पैरामीटर्स गिवन है, तो आप बिल्कुल मान सकते हो कि आपको एग्जैक्ट एनालिसिस ही करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार चेक करके देख लो, अगर गलती से सेटिस्फाई कर दिया तो फिर बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, एग्जैक्ट एनालिसिस मैं यहां पे परफॉर्म करने वाला हूं, ठीक। यहां पे होगा मेरे लिए क्या, एग्जैक्ट
एनालिसिस, ठीक। तो यहां पे होने वाला है मेरे लिए एग्जैक्ट एनालिसिस। पहला काम क्या होता है हमेशा मेरा क्वेश्चन में कि मैं इंटरनल पैरामीटर्स को फाइंड करूं। पहला काम मेरा होता है हमेशा इंटरनल पैरामीटर्स को फाइंड करना। तो अगर मैं इंटरनल पैरामीटर की बात करूं तो यहां से जो करंट फ्लो होगा ये कौन सा करंट होगा मेरे लिए, आई बी करंट होगा ये मेरे लिए, ठीक। यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है ये करंट हो जाएगा मेरे लिए आई सी, ठीक है। तो जो मैं नॉर्मल प्रोसीजर नॉर्मल सीक्वेंस जो मैं फॉलो करता हूं अपना डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने के लिए उसको ही फॉलो करता हूं। सबसे पहले मैं आपके लिए यहां पे करंट गेन की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले यहां पे करंट गेन, और करंट गेन से मतलब क्या है मेरा इंटरनल करंट गेन। सबसे पहले तो मैं इंटरनल वेरिएबल्स को ही कैलकुलेट करता हूं, तो इंटरनल करंट गेन को मैं एआई बोल रहा हूं। जनरली क्या करते हैं, इंटरनल करंट गेन को एआई से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल करंट गेन को एआई ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, एआई की वैल्यू होगी मेरे लिए माइनस आईसी अपॉन आईबी, ठीक है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है आपके लिए, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं एग्जैक्ट एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एआई की वैल्यू कितनी आई, माइनस आईसी बाय आईबी। आपको अच्छा आइडिया है कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया है, तो एआई की वैल्यू होगी आपके लिए माइनस एचएफई अपॉन वन प्लस एचओई इनटू आरएन डैश। आपको सबकी वैल्यू पता है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आराम से वैल्यू पुट करो एआई की और मुझको करंट गेन की वैल्यू बताओ, ठीक है। एचएफई की वैल्यू कितनी है आपके लिए 50 है, तो ये हो जाएगा माइनस 50 अपॉन वन प्लस 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एच ओई आर एल को कैलकुलेट कर लिए, ये कितना आया 0.238 के आसपास आया, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0.238 पुट कर देता हूँ, है ना। एच ओई आर एल डैश यहाँ पे कैलकुलेट किए थे हम लोग, कितना आया था ये 0.238, ठीक। तो ये हुआ मेरे लिए 0.238 के आसपास। तो इंटरनल करेंट गेन की वैल्यू कितनी आ रही है ये बताओ, माइनस 40.38, ये आ गया मेरे लिए इंटरनल करंट गेन की वैल्यू, ठीक है। आ गया मेरे लिए इंटरनल करंट गेन की वैल्यू आ गई, ठीक है। इंटरनल करंट गेन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 40.38, नोट करो उसको। तो एक्सटर्नल करंट गेन भी एंड में कैलकुलेट करा। तो नेक्स्ट मैं लिखता हूं आपके लिए इनपुट इंपेडेंस। तो अगर मैं इनपुट इंपेडेंस की बात करूं तो इनपुट इंपेडेंस को मैं यहां से देखने वाला हूं, ठीक है। ये इस पॉइंट से मैं आपके लिए देखूंगा अपने इंटरनल इनपुट इंपेडेंस, क्योंकि पहले तो मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए इंटरनल पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मैं इंटरनल इनपुट इंपेडेंस को भी जो एरो ड्रॉ किया हूं वहां से देखूंगा। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जो मैं एलिमेंट को यहां पे ब्रेक करके लाया था मिलर थ्योरम से, ये मेरे इंटरनल इनपुट इंपेडेंस का पार्ट नहीं होने वाला है, ये मेरे इंटरनल इनपुट इंपेडेंस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। जो मेरा जनरल मॉडल बनता है वही मेरे लिए इंटरनल इनपुट इंपेडेंस को डिफाइन करेगा, ठीक है। इस रजिस्टर को मैं यहां पे इंक्लूड नहीं करने वाला हूं, ठीक है, इंटरनल इनपुट इंपेडेंस में, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे एग्जैक्ट एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपके लिए आर आई की वैल्यू होगी एच आई ई प्लस ए आई इंटू एच आर ई इंटू आर एन डैश। ये होता है आपके एग्जैक्ट एनालिसिस में इनपुट इंपेडेंस, ठीक है। तो एच आई ई की वैल्यू गिवन है हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो एच आई ई की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 1100 ओम गिवन है क्या। एआई की वैल्यू हम कैलकुलेट की, एआई की वैल्यू कितनी आई थी हमारे लिए माइनस 40 के आसपास। ये हो जाएगा मेरे लिए 2.5 into 10 to the power minus 4 इंटू आर एल डैश। आर एल डैश क्या है आपके लिए 10 किलो ओम पैरेलल विथ 200 किलो ओम, बताओ कितना आ रहा है 1 किलो ओम के आसपास आ रहा है, कितना आया आपके लिए 1 एग्जैक्ट 1 आ रहा है क्या 1.003 किलो ओम। ये आ गई आपके लिए किसकी वैल्यू, ये आ गई आपके लिए इंटरनल इनपुट इंपेडेंस की वैल्यू, ठीक है। ये आपके लिए इंटरनल इनपुट इंपेडेंस की वैल्यू, ठीक है, एक्सटर्नल की बात नहीं की यहां पे। अगर टोटल की बात करूं तो यहां पे दो और इनपुट इंपेडेंस बनेंगे, ठीक है। एक कैसा बनेगा आपका, एक मैं यहां से ड्रॉ करूंगा जो इस वाले वैल्यू को इंक्लूड करेगा, दूसरा मैं यहां से ड्रॉ करूंगा जो आरएस को भी इंक्लूड करेगा। तो जो आरएस को भी इंक्लूड करेगा वो होगा मेरे लिए क्या, टोटल इनपुट इंपेडेंस, ठीक है। तो हम लोग जिस सीक्वेंस में कैलकुलेट करते हैं, सीक्वेंस में कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले करंट गेन कैलकुलेट किए, फिर हम लोग आपके लिए इनपुट इंपेडेंस कैलकुलेट किए, अब मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूं आपके लिए वोल्टेज गेन की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं थर्ड लिखता हूं यहां पे वोल्टेज गेन, इंटरनल वोल्टेज गेन। तो ये लिखा मैं आपके लिए इंटरनल
वोल्टेज गेन, ठीक है। तो इंटरनल वोल्टेज गेन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर इंटरनल वोल्टेज गेन की बात करूं मैं, है ना, तो ये वाला जो पोटेंशियल है मेरे लिए, ये पोटेंशियल होगा मेरे लिए वी बी, ये पोटेंशियल होगा मेरे लिए वी बी, ठीक। इधर तो सब एक ही पोटेंशियल है वैसे, फिर भी मैं यहाँ पे एक वी सी को मार्क कर लेता हूँ, ठीक। तो अगर इंटरनल वोल्टेज गेन की बात करूं तो इंटरनल वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन आएगा मेरे लिए ए आई इक्वल टू बी सी अपॉन वी बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे लिए ए आई आर एल डैश अपॉन आर आई, ये होता है क्या आपका फॉर्मूला होता है इंटरनल वोल्टेज गेन का, ठीक है। ए आई हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आर आई भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, आर एल डैश को भी हमको मालूम है, ठीक। तो सारे वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ए आई की वैल्यू आई है लगभग 40 के आसपास, तो ये हो गया माइनस 40 इंटू आर एल डैश की जो भी वैल्यू आएगी आपकी 10 किलो ओम पैरेलल विथ 200 किलो ओम, ठीक है। और जो आपकी आर आई की वैल्यू आई है 1.003 किलो ओम के आसपास। तो आप बताओ मुझको करेंट, सॉरी -383.4, ये आ गई आपके वोल्टेज गेन की वैल्यू, ठीक है। ये क्या होगा आपके लिए इंटरनल वोल्टेज गेन, ठीक है। तो इंटरनल वोल्टेज गेन की वैल्यू भी आपके लिए आ गई, ठीक है। नोट करो उसको, फिर हम लोग लास्ट पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं और आपके लिए करंट गेन को कैलकुलेट किया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में सवाल का क्या पूछा गया है, हमको टोटल इनपुट इंपीडेंस भी पूछा है, हमको टोटल वोल्टेज गेन भी पूछा है, हमको टोटल करंट गेन भी पूछा है, ठीक है। तो पहला काम हमेशा होता है हमारा कि हम इंटरनल पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग एक्सटर्नल पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर डालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनपुट इंपीडेंस, है ना, बाकी क्या मैं इनपुट इंपीडेंस यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या किए थे, एक आपके लिए वोल्टेज गेन कैलकुलेट किए, ठीक है, एक वोल्टेज गेन कैलकुलेट किए, वोल्टेज गेन की वैल्यू कितनी आई हमारी -383 के आसपास आई, ठीक है। तो जो हमारा अजम्पशन था एवी इक्वल टू हाई, तो ये हम लोग के लिए अजम्पशन ट्रू निकला, है ना। अभी हमको पता चला कि ये अजम्पशन हमारे लिए ट्रू आया है, ठीक है। तो हम जो कर रहे थे वो सब सही था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे, बीच में एक अजम्पशन लिए थे, मतलब अब मुझको वहां पे जो आउटपुट में मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हूँ 200 किलो ओम, उसको और मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो हाई नहीं आता तो फिर मुझको सोचना पड़ता वहां पे कि उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है करके, ठीक है। तो हम लोग का एक अजम्पशन यहाँ पे ट्रू हुआ, तो मतलब अब मुझको इस रेजिस्टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में मुझको डाउट था कि ये 200 किलो ओम रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके लिए मैं अज्यूम कर लिया था कि एवी की वैल्यू बहुत हाई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो 200 किलो ओम ही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं इनपुट इंपीडेंस पे फोकस करना स्टार्ट करता हूं। अगर मैं इनपुट इंपीडेंस की बात करूं तो एक आरआई मैं इनपुट इंपीडेंस आपके लिए कैलकुलेट किया हूं, ठीक है। आरआई की वैल्यू कैलकुलेट किया मैं, जब आरआई की वैल्यू कैलकुलेट किया तो मेरे लिए इसका आंसर आया 1.003 किलो ओम के आसपास, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं एक दूसरा इंपीडेंस देखता हूं, अब मैं दूसरा इंपीडेंस देखूंगा यहां से, इसको मैं बोलूंगा आपके लिए आरआई डैश, ठीक है। आरआई और आरआई डैश में फर्क क्या है, आरआई और आरआई डैश में आपका 200 अपॉन 1 माइनस एवी भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब हम लोग के लिए क्या है, 200 अपॉन 1 माइनस एवी भी इन्वॉल्व है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं और इसके आगे देखूं मैं, इस पॉइंट पे खड़े होकर इसके आगे देखूं मैं, तो मुझको 1.003 किलो ओम का एक रजिस्टर दिखेगा। मतलब मैं आर आई डैश की बात करूं तो आर आई डैश मेरे लिए क्या होने वाला है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे आर आई डैश की बात करूंगा तो आर आई डैश मुझको दिखने वाला है 200 अपॉन 1 माइनस एवी किलो ओम पैरेलल विद 1.003 किलो। और इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है यहाँ पे कि मुझको एवी की वैल्यू भी पता है, मुझको एवी की वैल्यू पता है, मैं जस्ट अभी कैलकुलेट किया आपके लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एवी की वैल्यू को पुट करता हूँ जो मैं कैलकुलेट किया था, तो ये जाएगा 200 किलो अपॉन 1 माइनस 383 पैरेलल विद 1.003 किलो ओम, ठीक है। तो बताओ इसकी वैल्यू सॉल्व करके लगभग कितनी आ रही है, 1.034 किलो। सबका यही आ रहा है, चेक करो एक बार कैलकुलेटर में डाल के। अब क्या हुआ था, अभी मैं एक आपके लिए आर आई डैश ड्रॉ किया था, ठीक है। आर आई डैश का वैल्यू मैं अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपके लिए एक और मतलब टोटल इनपुट इंपीडेंस की बात करता हूँ। और जब मैं टोटल इनपुट इंपीडेंस की बात करूंगा तो मैं यहां से देखूंगा अपने टोटल इनपुट इंपीडेंस को, तो आर आई डबल डैश होगा मेरे लिए टोटल इनपुट इंपीडेंस। और आर आई डबल डैश और आर आई डैश में डिफरेंस क्या है, आर आई डबल डैश में आपके लिए आर एस भी काउंट होगा, आर आई डबल डैश में आपके लिए आर एस भी
काउंट होने वाला है, ठीक है। तो आर आई डबल डैश की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जहां पे मैं आर आई डैश ड्रॉ किया हूं, अगर मैं यहां पे खड़े हूंगा तो आगे का पूरा सर्किटरी मेरे लिए 0.34 किलो ओम से रिप्लेस हो जाएगा, और जब मैं टोटल इनपुट इंपेडेंस की बात कर रहा हूं वहां से, तो क्या दिखने वाला है मुझको, आर आई डबल डैश दिखेगा मुझको आर एस प्लस आर आई डैश के बराबर, ठीक, आर एस प्लस आर आई डैश के बराबर। तो आर एस की वैल्यू आपको मालूम है 10 किलो ओम के आसपास है, ठीक है। तो आर आई डबल डैश क्या हो जाएगा आपके लिए 10 किलो ओम प्लस 0.34 किलो ओम, तो लगभग ये 10.34 किलो ओम के आसपास आएगा आपका टोटल इनपुट इंपेडेंस, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में 2-3-4 एरो बने हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, आपको मालूम रहे कि आर आई डबल डैश आपके लिए टोटल इनपुट इंपेडेंस है, आर आई आपके लिए क्या है इंटरनल इनपुट इंपेडेंस है, आर आई डैश आपके लिए बीच का एक इनपुट इंपेडेंस है ना। तो आपके फिगर में कितने भी इनपुट इंपेडेंस हो सकते हैं, एरो आपके लिए कहां बना है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपके लिए इस फिगर में इंपॉर्टेंट ये है कि 200/1-AV को आपको इंटरनल इनपुट इंपेडेंस वाले केस में काउंट नहीं करना है। मिलर थ्योरम में जो फीडबैक एलिमेंट दो पार्ट में ब्रेक होता है तो वो कभी भी आपके इंटरनल इनपुट इंपेडेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि वैसे भी जो फीडबैक एलिमेंट होता है वो एक्सटर्नली कनेक्टेड एलिमेंट होता है, एक्सटर्नली कनेक्टेड एलिमेंट कभी भी इंटरनल पैरामीटर्स पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि यहां से ड्रॉ कर देते हैं, यहां से ड्रॉ किया आर आई, तो ये इंटरनल इनपुट इंपेडेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल इनपुट इंपेडेंस है, ये आपका इंटरनल इनपुट इंपेडेंस है, हाँ ये भी एक इनपुट इंपेडेंस है, ठीक है। तो वो उसकी पोजीशन की वजह से है ना, आर आई डैश का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, जैसे कि मैं आर आई डबल डैश को टोटल इनपुट इंपेडेंस बोल दे रहा हूँ, आर आई को इंटरनल इनपुट इंपेडेंस बोल दे रहा हूँ, ठीक। तो इंपॉर्टेंट बात क्या, जो आपका फीडबैक एलिमेंट होता है वो आपके इंटरनल मॉडल को कभी भी अफेक्ट नहीं करता है, आपका इंटरनल इनपुट इंपेडेंस जो पहले होना चाहिए था वही होता है, क्लियर। हाँ, आपके टोटल इनपुट इंपेडेंस जरूर अफेक्ट करेगा, वो समझ में आया सबको, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे इनपुट इंपेडेंस कैलकुलेट कर डाले। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग यहाँ पे वोल्टेज गेन को भी कैलकुलेट करें, हम लोग अपने यहाँ पे टोटल वोल्टेज गेन को भी कैलकुलेट करें, ठीक है। नोट कर लिए सभी लोग इसको, ठीक है। हेडिंग डालो टोटल वोल्टेज गेन, टोटल वोल्टेज गेन की बात करते हैं। हम लोग इससे पहले एवी कैलकुलेट किए थे, एवी क्या था हम लोग के लिए, इंटरनल वोल्टेज गेन था। इंटरनल वोल्टेज गेन की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे लिए, -383.4, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे आपके लिए AVS, हमको यहाँ पे AVS कैलकुलेट करना है। AVS क्या है हम लोग के लिए, टोटल वोल्टेज गेन होने में, टोटल वोल्टेज गेन मतलब क्या, जो वोल्टेज लोड के अक्रॉस एग्जिस्ट कर रहा है और आपका सोर्स वोल्टेज, इन दोनों के रेशो को हम लोग बोलते हैं टोटल वोल्टेज गेन, ठीक है। तो V नॉट बाय VS हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो V नॉट और VS कैलकुलेट करना है, लेकिन हमको बीच में एक रेशो पता है, हमको VC/VBE का रेशो पता है, वो कितना है, -383.4 है। तो आपको हमेशा से आइडिया है कि अपन क्या करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं आउटपुट वोल्टेज से और जाते हैं इनपुट वोल्टेज की तरफ, ठीक है। तो मैं इस तरफ देखूं तो सब कुछ पैरेलल में लगा हुआ है आपके लिए, 10 किलो ओम पैरेलल में, उसके पैरेलल में आपका ये 200 किलो ओम, उसके पैरेलल में आपके लिए HOE, उसके पैरेलल में आपके लिए HFE-IB, ठीक है। तो इधर पूरा वोल्टेज पैरेलल में आपके लिए सेम रहेगा, मतलब क्या रहेगा आपके लिए, V नॉट रहेगा, ठीक है। इसके बाद जब मैं मूव करूंगा यहाँ पे, तो मेरे लिए आएगा एक वोल्टेज VB, उसके बाद आएगा मेरे लिए एक वोल्टेज VS, ठीक है। तो V नॉट और VS के बीच में एक्चुअली एक ही वोल्टेज आ रहा है, वो वोल्टेज कौन सा है मेरे लिए, VB है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं आपके लिए, जो डेफिनेशन लिखा हूं V नॉट बाय VS, तो उसको मैं लिखता हूं ऐसा, V नॉट बाय VBE इनटू VBE अपॉन VS, ठीक है। तो V नॉट बाय VBE एक्चुअली मुझको पता है, V नॉट बाय VBE तो मैं निकाल चुका हूं, V नॉट बाय VBE कितना आया था मेरे लिए, -383.4 के आसपास आया था आपके लिए, ठीक, ये -383.4 के आसपास आया था। मुझको निकालना है VB और VS के बीच में रेशो, मुझको निकालना है VB और VS के बीच में रेशो। तो एक्चुअली जो यहाँ पे मेरे लिए बना हुआ है वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज होगा मेरे लिए VB, ठीक है। ये 200/1-AV के पैरेलल में जो है वोल्टेज है, वही क्या है मेरे लिए, VBE है, ठीक है। तो अगर मैं रिलेशन लिखूं आपके लिए VBE और VS के बीच में, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा मेरे लिए, मैं लिखता हूं आपके लिए VBE इक्वल टू VS इनटू, बोलो, R I डैश, ठीक, R I डैश अपॉन R I डैश प्लस RS। तो मेरे लिए VBE अपॉन VS क्या हो जाएगा, R I डैश अपॉन R I डैश प्लस RS, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, इनटू R I डैश अपॉन R I डैश प्लस RS। तो बताओ यहाँ पे AVS की वैल्यू कितनी आ रही है,
माइनस ट्वेल्व पॉइंट सिक्स के आसपास आ रही है, ठीक है। तो ये आ गया आपका टोटल वोल्टेज गेन का वैल्यू। तो आपको हमेशा मालूम है आपका इंटरनल वोल्टेज गेन हमेशा एक बड़ा नंबर होता है, आपका टोटल वोल्टेज गेन उससे छोटा नंबर होता है, क्लियर। लिमिटिंग केस में दोनों बराबर होते हैं, और वो लिमिटिंग केस क्या होता है, जब आपका वोल्टेज सोर्स जो हम यूज कर रहे हैं वो आइडियल वोल्टेज सोर्स हो, मतलब आपके आर एस की वैल्यू क्या हो, जीरो, तब दोनों क्या होते हैं आपके लिए सेम होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल वोल्टेज गेन, ठीक है। इतना सारा ट्रांजिस्टर का फिगर देख चुके हो आप लोग, लगभग हम लोग लास्ट में है, तो इसका टोटल करंट गेन आप लोग कैलकुलेट करके बताओ मुझको, है ना। टोटल करंट गेन कैलकुलेट करेंगे, ट्राई करेंगे सब लोग, पहले यहां तक नोट करेंगे, फिर आराम से टोटल करंट गेन को कैलकुलेट करेंगे। माइनस 13 के आसपास आ रहे हैं, माइनस 13 के आसपास आ रहा है सबका, ठीक है। कैसे सॉल्व किए, एक तो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, एक करंट फ्लो कर रहा है आपके लिए, कौन सा, ये IL करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है आपके लिए IL, ये वाला करंट क्या है आपके लिए IL, यहां से आपका IC करंट फ्लो कर रहा है, यहां से आपका IB करंट फ्लो कर रहा है, और यहां से आपका IS करंट फ्लो कर रहा है, सोर्स करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मुझको कहां से कहां मूव करना है, मुझको मूव करना है IL से लेके IS तक के, ठीक है। मुझको एक करंट का रेशो पता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके लिए करंट गेन की, टोटल करंट गेन की, टोटल करंट गेन मतलब क्या, मुझको IS कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मुझको AI की वैल्यू पता है, AI का वैल्यू कितना था मेरे लिए, AI का वैल्यू था मेरे लिए माइनस IC अपॉन IB, ये कितना आया था आपके लिए, माइनस 40.38 के आसपास आया था, ठीक है। तो मुझको IB और IC का रेशो पता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपके लिए IL से मूव करना स्टार्ट करता हूँ IS की ओर, क्योंकि एक्चुअली मुझको कैलकुलेट क्या करना है, मुझको कैलकुलेट करना है आपके लिए AIS, और ये क्या है आपके लिए IL अपॉन IS, ठीक है। इसका रेशो क्या होगा आपके लिए IL अपॉन IS, कोई भी आपको यहाँ पे माइनस नहीं दिख रहा, क्योंकि IL आपके लिए ऑलरेडी क्या है, लोड करंट है, IC आपके लिए लोड करंट नहीं था, IC आपके लिए टू पोर्ट करंट था, इस कारण वहां पे आपको माइनस नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो अगर मैं मूव करना स्टार्ट करता हूँ आपके लिए IL से लेके IS की ओर, तो कौन कौन सा करंट आपको बीच में मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा IC, एक आपको मिलेगा IB, उसके बाद सीधा आपके लिए IS आ जाएगा। तो आप क्या करने वाले हो यहाँ पे, इसको कैसे लिखोगे बोलो, IL अपॉन IC इंटू IC अपॉन IB इंटू IB बाय IS, ऐसा हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें से हमको कौन कौन सा रेशो पता है, हमको IC बाय IB पता है, IC बाय IB की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए 40.3, ठीक। तो उसके बाद देखो आप लोग यहाँ पे निकालना क्या क्या है, मुझको निकालना मुझको है आपके लिए IL बाय IC, ठीक। तो IL बाय IC का रिलेशन देखना है आपको, ठीक। तो मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ आपके लिए, यहाँ से आपके लिए IC करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका IL है, ठीक। तो अगर ये मेरे लिए करंट सोर्स है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट बनेगा मेरे लिए ऐसा माइनस IC, ठीक। तो IC माइनस IC क्या हो गया मेरे लिए, सोर्स सप्लाई हो गया। मैं सिर्फ इतने नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं सिर्फ इतने नेटवर्क के लिए कंसर्न हुआ अभी, तो सिर्फ इतने नेटवर्क की बात करूँ, तो यहाँ पे मेरे लिए माइनस IC सप्लाई वोल्टेज की सप्लाई करंट की तरह ऐड कर रहा है, और IL की वैल्यू मुझको लिखनी है। तो IL की वैल्यू क्या आएगी वहां से बताओ, IL इक्वल टू माइनस IC इंटू 200 किलो इंटू 200 किलो अपॉन 200 किलो प्लस 10 किलो, ठीक है। तो माइनस IL बाय IC कितना हो जाएगा मेरे लिए 200 अपॉन 210 किलो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन गया मेरे लिए ये वाला, ठीक। अब मुझको क्या निकालना है, मुझको निकालना है एक रेशो निकालना है मुझको IB और IS का, ठीक। तो IB और IS के लिए कैसे करना है हमको बताओ, IB और IS हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, RI का यूज करेंगे क्या, कि HIE का यूज कर डालेंगे, RI का यूज करेंगे, है ना, क्योंकि HIE का यूज हम नहीं कर सकते, अगर हम HIE का यूज करेंगे फिर हमको HRE और V0 को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं क्या मानता हूँ, यहाँ पे एक नेटवर्क ड्रॉ करता हूँ आपके लिए ऐसा, ये यहाँ से आपके लिए IS फ्लो हो रहा है, ठीक। एक हो गया मेरे लिए ये वाला वैल्यू 200 अपॉन 1 माइनस AV का किलो ओम में, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे लिए, रेजिस्टेंस का वैल्यू बोलो RI कि RI डबल डैश बोलो, RI होगा, RI डैश इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया मेरे लिए RI, ठीक। और करंट यहाँ से जो फ्लो हो रहा है ये क्या है मेरे लिए IB करंट फ्लो हो रहा है, मतलब IB कहाँ जा रहा होगा, RI में जा रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ से करंट डिविजन रूल लगाऊं
तो आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए, आई बी की वैल्यू हो जाएगी, इस वैल्यू को मान लो आप x, मान लो सपोज करो इस वैल्यू को, ठीक है, तो आपके आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन आर आई प्लस x, x क्या है आपके लिए 200 अपॉन 1 माइनस ए वी, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं आपके लिए, तो एक हो जाएगा आपके लिए आई एल बाय आई सी कितना हो जाएगा माइनस 200 अपॉन 210 माइनस 200 अपॉन 210 इंटू 40.38 इंटू x की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ 5 20 पॉइंट, x की वैल्यू बस टोटल टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 20.83, मतलब x अपॉन आर आई प्लस x, सिर्फ x की वैल्यू 20.83 आ रही है, हाँ तो ये हो जाएगा 20.83, ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है अपॉन 1003 है ना 1.003 किलो, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है वैल्यू माइनस 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, ठीक है, तो ए आई एस की वैल्यू आ रही है लगभग माइनस 13 के आसपास, ठीक है। तो ये था आपका मिलर थ्योरम का क्वेश्चन, एग्जैक्ट एनालिसिस वाला, ठीक है, तो एक मिलर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, अगर आपको मिलर थ्योरम डेरिवेशन में नहीं आ रहा है तो आपको न्यूमेरिकल में पूछेगा, अगर न्यूमेरिकल में पूछेगा तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए इन्वॉल्व रहेगा, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो मुझे लगता है यार टाइम लगना चाहिए, ठीक है, सबको समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, सारे पार्ट समझ में आए, ठीक है। तो मिलर थ्योरम की अच्छी प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इस चैप्टर में एक्चुअली कुछ नहीं है लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के अलावा, लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के अलावा कुछ है तो फिर वो क्या है आपके लिए मिलर थ्योरम है, ठीक, कि हम लोग को अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ही करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम अभी देखे आपके लिए एग्जैक्ट एनालिसिस, ठीक। और इफ आपको फॉर्मूला याद करना टफ लगता है, जैसे कि मैं आपके लिए पहले देता करंट गेन इक्वल टू माइनस एच एफ ई अपॉन 1+HOE इंटू आर एल एस, अगर आपको ये टफ लगता है तो आपको पता हो कि आप जनरलाइज मॉडल बना के 20 सेकंड में डिराइव कर सकते हो उस फॉर्मूले को, है ना, मैं बहुत बार इसको बोल चुका हूँ, सुन चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, इस कारण मेरे को बहुत अच्छे से याद है फॉर्मूला, लेकिन आपको अगर 5% भी कंफ्यूजन हो एग्जाम के दिन कि आप वो फॉर्मूला गलत लिख रहे हो या आप फॉर्मूला भूल रहे हो, तो बिल्कुल जनरलाइज मॉडल ड्रॉ करो आप रफ में और आपसे 20 सेकंड में आंसर आएगा, आपसे कंफर्म 20 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है, तो आप ऐसा करना, क्योंकि मैं स्टूडेंट था तो मुझको भी फॉर्मूले याद नहीं थे, है ना, मैं नंबर ऑफ टाइम्स बहुत बार इसको, जब से मैं टीचिंग में आया हूँ तब से मुझको ये फॉर्मूले याद हुए हैं, ऐसा नहीं कि मेरे को पहले फॉर्मूले याद थे, है ना, तो आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद करने में टेंडेंसी नहीं रखना है, ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल जनरलाइज मॉडल बनाओ और डिराइव कर डालो, हमने जनरलाइज मॉडल बनाए थे तो आप देखोगे कम से कम जब भी आप एनालॉग सर्किट पढ़ोगे एग्जाम के लिए 3 बार आप लोग जनरलाइज मॉडल को डिराइव कर लेना घर में खुद से, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं मतलब कभी भी नहीं भूलोगे, है ना, क्या लगे कि मिलर थ्योरम के बिना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल मिलर थ्योरम के बिना भी ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, ठीक है, नोट कर लिएगा सब लोग सारे, सेम डेटा बस आपके लिए वोल्टेज गेन निकालने बोला था, तो सेम क्वेश्चन आपके लिए गेट के एग्जाम में भी आ चुका है ना, जब आप लोग एम्पलीफायर पढ़ोगे तो सर आपके लिए सेम क्वेश्चन डील करेंगे, 2014 IIT खड़गपुर एज इट इज क्वेश्चन दिया था आपके लिए, वोल्टेज गेन कैलकुलेट करने बोला था आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, है ना, तो सेम क्वेश्चन आ चुका है आपके गेट एग्जाम में भी यही वाला, और ये मिलमन हिल के आसपास का अनसॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो।